हेलो फ्रेंड्स, सेशन 44 में हम वो वर्ड डिस्कस करेंगे जो वर्ड्स हमने फर्स्ट टाइम सेशन 42 में पढ़े थे। उनमें से कुछ को हम सेशन 43 में डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो वर्ड्स हैं वो हम यहाँ सेशन 44 में डिस्कस करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला जो वर्ड है वो है सिमुलेट। और फ्रेंड्स जो सिमुलेट है, इस सिमुलेट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में फ्रेंड्स सिमुलेट होता है, ये एक लैटिन रूट है सिमुलो सिमुलो से आया है। और सिमुलो का जो मीनिंग होता है वो होता है टू कॉपी। और कॉपी से रेफरेंस यहां क्या है फ्रेंड्स? बहाना बनाना या नकल करने के लिए सिमुलेट यूज। नकल करना और बहाना बनाना। क्लियर है फ्रेंड्स? सिमुलेट। और ये वर्ब, ये जो वर्ड है वो क्या है फ्रेंड्स? वर्ब है। इसी से एक नाउन आपको मिल जाती है सिमुलेशन। क्या फ्रेंड्स? सिमुलेशन। और सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन होती है कॉपिंग द रियल थिंग। इसकी बात करें हम तो कॉपिंग द रियल थिंग। क्लियर फ्रेंड्स? यानी बहाना और नकली वस्तु। दो अर्थ होते हैं इसके, एक नकली वस्तु और दूसरा होता है फ्रेंड्स बहाना। क्लियर? अगर हम बात करें जो सिम्युलेटेड फ्रेंड्स, कुछ हमें मोती मिलते हैं, जो कुछ उसमें दो तरह के मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं। एक तो जो ऑयस्टर से मिलते हैं, मीन्स जो रियल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, और दूसरे होते हैं फ्रेंड्स सिम्युलेटेड पर्ल्स, यानी कुछ सिंथेटिक पर्ल्स। इसको आप क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? सिम्युलेटेड को आप क्या कह सकते हैं? इसका सिनोनिम आपको मिला है सिंथेटिक। और इस वर्ड से आप बड़े फैमिलियर हैं, बिल्कुल आप डेली लाइफ में इस वर्ड को आप यूज करते हैं, सिंथेटिक को। क्लियर फ्रेंड्स? तो सिम्युलेटेड यानी सिंथेटिक। और आपकी वोकैब में नया वर्ड मिल गया आपको सिम्युलेटेड। अब फ्रेंड्स सिंथेटिक की जगह आप सिम्युलेटेड को यूज करना। फ्रेंड्स इससे जो नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिसिम्युलेटेड। डिसिम्युलेट। डिसिम्युलेट क्या है फ्रेंड्स? डिसिम्युलेट एक्चुअल में क्या होता है? हाइड योर ट्रू फीलिंग्स By making a pretense. Clear friends? Hide your true feelings by making pretense. Clear friends? तो क्या मीनिंग निकल कर आया डिसिम्युलेट का? बहाना बनाना या छल करना। क्लियर है फ्रेंड्स? बहाना बनाना या छल करना। फिर फ्रेंड्स जो डिसिमुलेट से डिसिमुलेटर बना है, और डिसिमुलेटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक पीछे सेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था सिकोफेंट। जो सिकोफेंट्स होते हैं, और सिकोफेंट्स आपको याद होगा फ्रेंड्स, अगर याद नहीं है तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है चापलूस। क्लियर फ्रेंड्स? जो चापलूस हैं वो क्या होते हैं? वो डिसिम्युलेटर होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स?
जो सिकोफेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिससिमुलेटर, क्योंकि वो एक्चुअल में तो कॉन्टेम्प्ट शो करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, एडमायरेशन दिखाते हैं। वो फील तो कॉन्टेम्प्ट करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, लेकिन वो दिखाते क्या है, वो उसकी प्रशंसा दिखाते हैं। क्लियर? तो यानी वो जो असली फीलिंग से उनको छिपाते हैं, बाहर बनाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और इसका एक सिनोनिम भी हमें मिल जाता है और वो होता है फ्रेंड डिसिमुलेट का, डिसेंबल। डिसेंबल, क्लियर? डिसेंबल क्या है फ्रेंड्स? डिसिमुलेट, ये जो वर्ब आपने ऊपर लिखी है डिसिमुलेट, इस वर्ब का एक सिनोनिम डिसेंबल भी है। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यहां नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं, इंटीमेट। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है इंटीमेट, ये एक्चुअल में नाउन है, वर्ब है एंड एडजेक्टिव है। ये तीनों ही काम करता है, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। फ्रेंड्स ये एक लेटिन रूट है इंटीमस, इंटीमस से आया है। क्या फ्रेंड्स? इंटीमस। और इंटीमस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। और इसका जो मीनिंग निकल के आया फ्रेंड्स इंटीमेट का एटिमोलॉजिकली, वो आया फ्रेंड्स सूचित करना, और दूसरा मीनिंग होता है फ्रेंड्स क्लोज, या इसको कहते हैं अभिन्न। क्लियर फ्रेंड्स? अभिन्न या क्लोज, माय इंटीमेट फ्रेंड, मेरा क्लोज फ्रेंड, मेरा अभिन्न मित्र। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है यहां एलिविएट। और ये वर्ब है, इसकी टाइमोलॉजी की बात करें तो एक लेटिन रूट है फ्रेंड्स लेविस, लेविस से वर्ड आया है, एड इसमें प्रीफिक्स है और प्लस लेविस, और लेविस का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है लाइट, और लाइट मींस हल्का, नॉट हैवी, और इस एड का मींस होता है फ्रेंड्स टू। और ध्यान रहे ये जो एड प्रीफिक्स है ये डी जब एल के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स एल में बदल जाता है। क्लियर? तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है एलिवेट, प्रीफिक्स यहां एड है, एल एल नहीं। और फ्रेंड्स एलिवेट का मीनिंग क्या निकल कर आया, मींस इट मेक्स पेन लाइटर, इट मेक्स पेन लाइटर यानी हल्का करना या हल्का बनाना। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी नाउन मिल जाती है एलिवेशन, ये मिल जाती है इसकी नाउन, और एलिविएटिव इसका एक एडजेक्टिव मिल जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है रिलीफ। इसी लेविस पे, इसी लेटिन रूट पे नेक्स्ट वर्ड हम जानते हैं रिलीव, और रिलीव क्या है फ्रेंड्स, बड़ा फैमिलियर वर्ड है रिलीव। रिलीव होता है हल्का करना, मींस पेन, मेक लाइट अगेन, इसमें जो प्रीफिक्स है फ्रेंड्स री प्लस लेविस, और इस री का मींस होता है फ्रेंड्स अगेन, तो एटिमोलॉजिकली क्या मीनिंग निकल कर आया लाइट अगेन। और यू कैन से मेक लाइट अगेन, अर्थात रिलीफ का जो मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स वो होता है हल्का करना। कोई पेन है वो रिलीव हो जाता है, और ये वर्ड
जो है क्या है फ्रेंड्स, ये एक वर्ब। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिवेट। ये भी वर्ब है एलिवेट, और इसमें एक जो रूट है फ्रेंड्स, रूट तो लेविस है लेकिन इसमें जो प्रीफिक्स है वो लगा हुआ है ई प्लस लेविस, और ई का मीनिंग होता है फ्रेंड्स आउट, और लेविस का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, लाइट। ऊपर से आप डिस्कस करते आ रहे हैं, और इटाइमोलॉजिकली मीनिंग क्या निकल कर आया है फ्रेंड्स इसका, रेज आउट और रेज अप। रेज अप मीन्स एलिवेट का क्या मीनिंग निकलता है अगर हम हिंदी की बात करें तो ऊपर उठाना। एलिवेट क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर उठाना। इससे नेक्स्ट वर्ड हमें मिल जाता है फ्रेंड्स लेविटी। लेविटी क्या होती है, ये नाउन है और इस लेविटी का मीन्स होता है फ्रेंड्स लाइटनेस ऑफ सीरियसनेस। लाइटनेस ऑफ सीरियसनेस यानी लेविटी क्या है फ्रेंड्स, लेविटी है छिछोरापन या हल्कापन। छिछोरापन या हल्कापन, क्लियर फ्रेंड्स। ये एक्चुअल में क्या है, ओरिजिन की बात करें तो इसका मीनिंग निकल कर आता है आउट ऑफ प्लेस एट ए फ्यूनरल और वर्शिप, किसी फ्यूनरल या वर्शिप वाले स्थान पर लाइटनेस दिखाना अर्थात हल्कापन दिखाना अर्थात छिछोरापन दिखाना, तो उसके लिए वर्ब ये जो नाउन है, ये जो वर्ड है लेविटी, ये हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स एक वर्ड माइजर है, माइजर से आप अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। माइजर क्या होता है फ्रेंड्स, माइजर कंजूस होता है। लेकिन अगर मैं कहूं एक लेटिन रूट है माइजर, उसका क्या अर्थ होता है, लेटिन में माइजर का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है रेच। माइजर लेटिन, अर्थात दुखी, क्लियर है फ्रेंड्स। ये जो रूट है लेटिन, लेटिन में माइजर का मीनिंग मैंने बताया आपको रेच। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वर्ड है इसी रूट से बना है और वो क्या है, कॉमिसरेट। कॉमिसरेट क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमिसरेट को इटाइमोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रीफिक्स लगा है कॉम, किसमें, माइजर में, और माइजर क्या हो गया फ्रेंड्स, रेच्ड हो गया, और कॉम क्या हो गया फ्रेंड्स, टुगेदर, मींस रेच्ड टुगेदर। मींस क्या निकल कर आया, कॉमिसरेट का मीनिंग निकल कर आया आई एम रेच्ड टुगेदर विद यू, कि मैं भी आपके साथ दुखी हूं। इट मींस क्या है फ्रेंड्स, ये एक वर्ब है और इसका जो अर्थ निकल कर आया वो क्या निकल कर आया फ्रेंड्स, सहानुभूति रखना, मींस टू शो सिंपैथी सहानुभूति रखने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं कॉमिसरेट को, क्लियर फ्रेंड्स। और इसी सेम रूट पे आपको माइजर, माइजरली, मिजरेबल एंड मिजरी, माइजर, माइजरेबल और माइजरली और मिजरी, ये वर्ड्स आपको इसी रूट पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं और बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, मीनिंग आप इनका सबका जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वैसिलेट। और इस वैसिलेट का मीनिंग क्या निकलता है फ्रेंड्स, ये वर्ब है और ये आई है लेटिन रूट से, और लेटिन रूट क्या है फ्रेंड्स, यहां पर वैसिलो,
और वेसिलो का मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स स्विंग बैक, स्विंग बैक। स्विंग बैक क्या है? वेसिलो। और वेसिलो से मीनिंग निकल वो जो वर्ड बना है वो बना है वेसिलेट, मींस स्विंग बैक एंड फोर्थ इन इनडिसीजन। क्लियर फ्रेंड्स? जो मीनिंग निकल के आया वेसिलेट का, स्विंग बैक एंड फोर्थ इन इनडिसीजन मींस हिचकिचाना। तो वेसिलेट क्या हो गया फ्रेंड्स? हिच किचाना, हिचकिचाने के लिए टू हेजिटेट, हेजिटेट के लिए आप इस वर्ब को यूज करते हैं वेसिलेट को। क्लियर? इससे नाउन मिलती है फ्रेंड्स वेसिलेशन, यानी तो इससे जो नाउन मिली फ्रेंड्स वेसिलेशन, इस वेसिलेट से। क्लियर? यानी हिचकिचाहट। और फ्रेंड्स इस पे नेक्स्ट वर्ड हमें मिल जाता है एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का क्या मीनिंग होता है? एम्बी फ्रेंड्स बड़ी फैमिलियर रूट है, इसको आप शुरू बात के जो सेशन थे हमारे उनमें हमने पढ़ा था। और इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स बोथ, एम्बी मीन्स बोथ और प्लस वेसिलो, बोथ और वेसिलो। और वेसिलो का मीनिंग है स्विंग बैक, मीन्स स्विंग बैक बोथ। क्या मीनिंग निकल कर आया? मीन्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दोनों फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड्स एम्बिवेलेंस। और ये जो वर्ड है ये क्या है? नाउन है। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी अगर हिंदी की बात करें तो ये होती है उभयवृत्तिता, उभयवृत्तिता। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आप सिंपल वे में कह सकते हैं दोहरे विचार वाला, जिसमें दोनों विचार होते हैं मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो वो क्या कहलाता है? वो एम्बिवेलेंस कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ब है यहां पर हमारे पास ऑसिलेट, और ऑसिलेट क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक लेटिन रूट है ऑसिलम, ऑसिलम से आया है। और ऑसिलम का जो मीनिंग होता है ये होता है फ्रेंड्स स्विंग, और ये ऑसिलेट क्या है फ्रेंड्स? वर्ब है, और इसका मीनिंग निकल कर आया स्विंग, टू स्विंग। और स्विंग क्या होता है फ्रेंड्स? हिलाना या दोलन करना। हिंदी की बात करें इसकी तो आपको मिल जाता है दोलन करना, या हिला। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसकी नाउन मिल जाती है आपको ऑसिलेशन, इसको कहते हैं आप दोलन। और ये दोलन क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपके पास पेंडुलम वाली वॉच होती है वो क्या करती है? पेंडुलम क्लॉक होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है? वो ऑसिलेट करती है, मींस वो स्विंग करती है, वो दोलन करती है, यानी वो हिलती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे नई रूट्स पे, और आई होप सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी चैनल पर एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।